हाय फ्रेंड्स, मैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति का अगला वीडियो लेकर आ चुका हूं। हम लोग पिछले क्लास में कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोण के बारे में जाना था कि इनके त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान क्या होता है। आज हम जानने वाले हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। एडिंग जाए है 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान, ठीक है। आज 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में हम लोग ने पिछले क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में। चलो हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, जिसका कोण बी क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा लो दोस्त, ऐसा है ए बी, यही ना 90 डिग्री है। अब हम क्या करते हैं, मान लिया कोण सी बराबर ठीक ठाक, इस कोण को हम लोग ठीक ठाक मानते हैं, बोले थे ना ठीक ठाक एक सिंबल है जो कोण को डिनोट करता है, ज्यादा माथा पेची नहीं करना है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा ये सब। अब आपको एक पिछले किसी वीडियो में बताए थे, ठीक है। तो मान लिया ये कोण ठीक ठाक, तो दोस्त ये कोण कितना होगा, तो आप बोलिएगा अरे सर ये तो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा ना, 90 डिग्री माइनस थीटा। कोई बच्चा बोलेगा कैसे, आसान बात है दोस्त, हम लोग जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री, ये रफ में दिखा रहे हैं। तो क्या होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री। अब कोण बी कितना दिया है, कोण बी दिया है 90 डिग्री, ठीक है। कौन सी को कितना माने हैं, कौन सी को माने हैं ठीक ठाक, तो ये कौन सा बचा, कौन ए ही ना निकालना है, तो ये हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाओगे तो कौन ए को निकालना है, तो कौन ए को लेफ्ट साइड रहने देंगे बायां पक्ष और बाकी को दाहिने साइड फेंकेंगे, चलो फेंके, तो दाहिने साइड ऑलरेडी पहले से 180 डिग्री है, इधर से प्लस 90 डिग्री गया तो बना माइनस 90 डिग्री, इधर से प्लस थीटा गया तो बना माइनस थीटा, तो यहाँ कोण ए का मान कितना हुआ, 180 में से 90 गया बचा 90 डिग्री और थीटा का थीटा, तो कोण ए का मान 90 डिग्री माइनस थीटा का हो गया, ठीक है। ये रफ किए कैसे आए, चलो मान लिया कोण सी बराबर हमने माना थीटा, ठीक है। तो अब इसके अंतर्त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, देखना साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो कोण सी के लिए लंब ए बी कर्ण AC, sin C बराबर AB बटा AC, ठीक है। और cos C बराबर, ठीक है, cos C बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण BC बटा AC, BC बटा AC। और tan C लंब बटे आधार, लंब C के लिए लंब AB, BC आधार हुआ, तो ये हो गया AB बटा BC, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ये तीनों, ठीक है, एक हमने मान लिया। अब आगे हम बढ़ते हैं, आपसे बोलते हैं दोस्त ध्यान से देखना, दोस्त ध्यान से एक मिनट वीडियो देख लेते हैं, प्रेस चल रहा है कि नहीं, थोड़ा इसको बड़ा कर। अब आप ध्यान से देखिएगा, हम आपसे एक बात बोलने जा रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं दोस्त ये जो ठीक ठाक डिग्री है ना इसको घटाओ, इस कोण सी एंगल को घटाओ, घटाओ कैसे घटेगा दोस्त, कैसे घटेगा, देखो अगर इसको इधर बढ़ाएंगे, इधर 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 यानी इधर, तो बढ़ेगा कोण, और इसको इधर घटाएंगे इधर यानी ऐसे नीचे लाएंगे तो घटेगा, तो देखो कैसे कैसे स्थिति में घटेगा, हम तो आपको दिखा देते, मान लो ये है ना ओरिजिनल डिस्टेंस, यहां सी है, ए है, बी है, सी। अब हम ये जो ओरिजिनल था ये वाला,
ये वाला ओरिजिनल था, हम इसको घटा रहे हैं, मान लो अब घटाते घटाते गए तो अब यहाँ आ गया है ना, अब ये ए यहाँ पे आ गया, ठीक है, ए को बी के पास ला दे, फिर जैसे जैसे आगे और घटाएंगे और घटाएंगे और घटाएंगे, ठीक है, ये ओरिजिनल वाला है, ओरिजिनल वाला, ठीक है, ये दूसरा वाला है, दूसरा ये वाला, ये वाला, अब और घटाए और घटा, ठीक है, ये ए बिंदु का स्थिति चेंज होना, देखो ना ए यहाँ से चल के यहाँ आया, पहले यहाँ था ना, यहाँ यहाँ से चल के यहाँ आया, और घटाए यहाँ से चल के धीरे धीरे चलते चलते आ रहा है, एक समय ऐसा नहीं आएगा कि ये जो बी बिंदु है, बी बिंदु शीर्ष बी है ना, शीर्ष बी इसके बहुत निकट आ जाएगा, बहुत निकट यहाँ करीब में बी पे नहीं आएगा लेकिन बी के बहुत ही निकट आ जाएगा, अत्यधिक निकट, ठीक है, बहुत करीब आ जाएगा, जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये ए बी का मान क्या हो जाएगा, ए बी यहाँ लगभग शून्य हो जाएगा, और ये जो एसी भुजा है ये तो बीसी के बराबर हो जाएगा, हो गया कि नहीं, नहीं समझ में आया, देखो ध्यान से देखना, हम क्या बोले कौन सी को घटाना है, घटेगा कैसे, इसको ये जो एसी भुजा है इस भुजा को नीचे लाएंगे, नीचे लाएंगे, कहने का मतलब ये शीर्ष ए को बी के तरफ लाएंगे तो घटेगा, ठीक है, समझे बात को, अगर ए को ऊपर ले जाएंगे तो कौन बढ़ेगा, क्योंकि ये रेखा इधर बढ़ेगा तो कोण बढ़ेगा, और ये रेखा नीचे घटेगा तो कोण घटेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तब क्या किए घटाना स्टार्ट किए, देखो पहले ए यहाँ था, अब ए को बी की तरफ हम चलाना स्टार्ट किए, मान लो किसी समय ये ए चल के यहाँ पे आ गया होगा, तो ये कोण का मान देखो, तो पहले पहले वाला इतना था, अब वाला इतना हो गया, तो ये मान घटा कि नहीं, इससे तो छोटा हुआ, फिर और चलाए, मान लो किसी समय चलाते चलाते यहाँ पे पहुंच गया, सबसे पहला केस में यहां पर था, यहां पर ए, दूसरा केस में यहां पर ए आया, तीसरा केस में यहां पर ला दिए, ठीक है, तो देखो यहां पर सबसे बड़ा कौन, ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, और आगे चलाते जाएंगे, ए को चलाते जाएंगे, चलाते चलाते ए एक ऐसा समय नहीं आएगा कि बी के बहुत करीब आ जाएगा, हाँ सर आ तो जाएगा बी के बहुत करीब, तो जब बी के करीब ये ए मान लो बी के एकदम निकट, एकदम निकट सट्टा हुआ एकदम समझ लो, बी के स्थान पर नहीं आएगा लेकिन बी के अत्यधिक निकट आ जाएगा, उस समय हम नहीं बोलेंगे कि ए बी भुजा जो है उसका मान कितना हो जाएगा, सुन सुन नहीं हो जाएगा, और ये जो ए सी भुजा है ये ए से चल के यहां आ गया तो ए सी बराबर बी सी, नहीं समझे, यही बात है, हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है, हम लिखते हैं थीटा का मान जैसे जैसे थीटा का मान जैसे जैसे घटता है, ठीक है, थीटा का मान जैसे जैसे घटता है थीटा का मान जैसे जैसे घटता है और जीरो के करीब पहुंच जाता है, देखो ना दोस्त, जो एसी है एसी अगर ए बी पर आ जाएगा तो ये थीटा का मान जीरो नहीं हो जाएगा, एसी सॉरी एसी एसी ठीक है, यानी शीर्ष ए बी पर आ जाएगा, यानी कहने का मतलब ए सी बी सी पर आ जाएगा तो ये कोण का मान जीरो नहीं हो जाएगा, हाँ दोस्त हो जाएगा, तो हम क्या कि लिखे थीटा का मान जैसे जैसे घटता है और जीरो के करीब होता है, जीरो के करीब होता है वैसे ए बी का मान घटेगा, ए बी का मान जीरो के करीब होगा, जीरो के करीब होता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक, ठीक है, करीब हो जाता है। अब देखो दोस्तों ये शीर्ष ए घट के बी के पास आ गया,
यानी थीटा का मान जैसे जैसे घट रहा है, थीटा जीरो के तरफ जा रहा है, वैसे ही ए बी भी जीरो के तरफ जा रहा है, ठीक है। अब ए बी अगर ये शीर्ष ए बी के करीब आ गया, बी के करीब, तो ये जो ए सी है, ए सी भुजा, ये तो ऐसे घूम के यहाँ आ जाएगा ऐसे, तो ए सी भुजा भी बी सी के अत्यधिक निकट होगा, और ए सी बी सी के, ए सी कॉमा बी सी के अत्यधिक निकट होगा, अत्यधिक निकट होगा। हाँ दोस्त सही तो बोले, अत्यधिक निकट होगा। थीटा का मान जैसे जैसे घटता है और जीरो के करीब होता है, वैसे वैसे एबी का मान जीरो के करीब होता है, एबी का मान जीरो के करीब होता है, और एसी बीसी के अत्यधिक निकट होता है। कहने का मतलब यह होगा दोस्त, ध्यान से देखना, कहने का मतलब यह होगा कि देखो शीर्ष ए बी पे जब आ जाएगा, शीर्ष ए बी के पर आ जाएगा, तो ये एबी का मान जीरो और बीसी बराबर एसी, यही ना, बीसी बराबर एसी, एग्जैक्ट इक्वल नहीं, जानते हो इसको प्रूफ की चीज से किया जाता है, लिमिट से, जो 11th 12th में आपको लिमिट चैप्टर पढ़ना है, लिमिट में यानी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता लेकिन एकदम बहुत करीब होता है, तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ आप ध्यान पूर्वक देखो ना दोस्त, ये जब ए बी के बहुत निकट आ जाएगा तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी लगभग मान नहीं मान लेंगे कि बी सी बराबर ए सी, क्योंकि ये ए सी तो घूम के ऐसे ऐसे यहाँ आ जाएगा यहाँ पर ना, ठीक है। तो लिखेंगे हम करीब थीटा का मान जैसे जैसे घटता है और जीरो के करीब होता है, वैसे वैसे एबी का मान जीरो के करीब होता है, एसी बीसी के अत्यधिक निकट होता है, निकट होता है। जैसे कहने का मतलब यह हुआ कि अगर एक से हम बात करें, एक से समीकरण इधर लिखते हैं, ठीक है, इधर लिखते हैं, ये बात समझ गए होंगे, इधर लिखते हैं, अगर एक से हम बात करें, एक से देखना, एक को उठा रहे हैं, एक में सबसे पहले क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा है ना, यहाँ सी क्यों लिखा दो, जब थीटा माना तो साइन थीटा लिखो, है ना, थीटा लिखो, थीटा लिखो, कौन सी का मान थीटा माने हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर ए बी बटा ए सी, ठीक है, ए बी बटा ए सी, ए बी कितना बना, ए बी, ए बी बन गया जीरो, ए बी क्योंकि ए बी के पास में आ गया चलकर, ए बी का मान क्या हो गया जीरो बटा ए सी, ठीक है, बराबर जीरो। अच्छा, कहने का मतलब साइन थीटा अगर थीटा जीरो के करीब जाता है तो साइन थीटा बराबर साइन जीरो, ठीक है, अब बराबर जीरो, यही तो होगा दोस्त, इसको ऐसे ना लिखिए, इसमें और लिख दे, साइन थीटा बराबर साइन जीरो, क्योंकि थीटा जीरो के करीब चला गया, कॉस थीटा बराबर कॉस जीरो, क्योंकि थीटा नहीं लिखते हैं ना, थीटा तो जीरो चला गया, कंफ्यूजन होगा, कॉस जीरो बराबर, अब देखो कॉस के लिए जाओगे, कॉस थीटा, थीटा कहाँ चला गया जीरो, तो बीसी बटा एसी, बीसी बटा एसी, बीसी का मान कितना दोस्त, बीसी और एसी तो बराबर ना हो गया, बीसी बटा बीसी, एसी एसी चल के बीसी के करीब चला गया, इसका मान वन। अब टेन जीरो डिग्री के बारे में बात करो, टेन जीरो डिग्री के बारे में बात करोगे तो टेन है ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी, ठीक है, तो ए बी का मान कितना आया, जीरो आया दोस्त, ए बी का मान जीरो आया, बी सी का मान कितना आया, बी सी बी सी है, ठीक है, तो जीरो बटा कोई भी नंबर जीरो, सही तो बोले हैं दोस्त, ठीक है। अब इसका तीन मेन त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए, इसका जो उल्टा और त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको लिख लेंगे, कोसेक जीरो डिग्री, कोसेक जीरो डिग्री पर जाएंगे तो कोसेक जीरो डिग्री क्या होगा, उल्टा, यानी इसका मतलब क्या होगा, ये जीरो लिखा है, जीरो का मतलब जीरो बटा एक, तो यहाँ पे एक बटा जीरो, ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित,
कोसेक 0 डिग्री यानी 1/0 अपरिभाषित। अपरिभाषित सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री की बात करोगे कोस का उल्टा होता है सेक 1/1 1/1 = 1। ठीक है, टैन 0 डिग्री का मान जानने जाओगे, टैन 0 डिग्री बराबर होता है 0 cot 0 degree। तो cot किसके, tan का उल्टा आता है, tan का मान दिया है 0 डिग्री, इसका मतलब उल्टा यानी इसके बट्टा में 1 है, 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे आएगा, तो लिखेंगे 1/0 किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, अपरिभाषित। ठीक है, कोण 0 डिग्री के लिए छेवटी परिमितीय अनुपात का मान का पता चल गया, आप वीडियो स्टॉप करके इसको लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है दोस्त, चलो एक चीज तुम नोट कर लो, तो इसमें एक और नोट कर लो, दिक्कत ना रहेगा। ठीक है, ये जो बात लिखा है कि थीटा का मान जैसे जैसे घटता है, थीटा का मान जैसे जैसे घटता है और जीरो के करीब होता है, वैसे वैसे एबी का मान जीरो के करीब होता है और एसी बीसी के अत्यधिक निकट होता है। कहने का मतलब, चूंकि अगर थीटा जीरो बन जाता है 0 डिग्री, ठीक है, तो ये बीसी एसी के बराबर होगा, निकट होता है तो बीसी, चूंकि थीटा बराबर 0 डिग्री तो सबसे पहले एबी क्या बनेगा, एबी बराबर 0 और बीसी बराबर एसी। ठीक है, बीसी बराबर एसी, तब इसको लिखेंगे एक से, तो आपको अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, थीटा 0 बन गया। तो इसको भी वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा, इसको नीचे वाला। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझे ना, उस बात को लिख दिया जो हिंदी में लिखे थे ना, उस बात को लिख दिया कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि साइन थीटा लिखे हैं तो फिर यहाँ साइन 0 क्यों ले लिया है। ठीक है, तो वीडियो में स्टॉप करके नोट कर सकते हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, मिटाए इसको, चलिए मिटा रहे हैं। अब देखो दोस्त, यहां पे जब कोण सी थीटा ले लिए तो कोण ए बराबर क्या हुआ, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ठीक है ना। अब हम बात करने जा रहे हैं, यदि थीटा 0 के करीब होगा, यदि थीटा यानी घटाएंगे थीटा को, तो थीटा जैसे जैसे ये घट के यहाँ पे आएगा तो दोनों का बीच का एंगल 0 ना होगा, बात को समझे, तो 0 के करीब होगा तो कोण ए का मान कितना होगा, कोण ए बराबर होगा उस वक्त 90 डिग्री। ठीक है, चाहे इसको लिखने से पहले त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लो कोण ए के लिए, तो चलो लिखते हैं, कोण ए बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी किसकी बात कर रहे हैं, कोण ए की बात कर रहे हैं, तो कोण ए के लिए साइन लेने जाएंगे तो लंब बटा कर्ण होता है, ए के लिए लंब बीसी होगा, कर्ण एसी होगा, क्या लिखेंगे, बीसी बटा एसी कॉमा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉस क्या होता है दोस्त, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बोलने का मतलब आधार बटे कर्ण, इस कोण के लिए आधार ए भी हुआ और कर्ण कौन हुआ, एसी हुआ, और टैन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है दोस्त, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा, इस कोण के लिए टैन लेने जाएंगे तो टैन का अनुपात क्या आता है, लंब बटे आधार, तो इस कोण के लिए लंब ये और आधार ये, तो लंब हो गया बीसी बटा आधार हो गया एबी, दिक्कत इसको मानते हैं ए। अब लिखते हैं, चूंकि थीटा 0 के करीब होगा,
अत्यधिक करीब होगा, जीरो के अत्यधिक यानी साफ जीरो के जस्ट पहले, जीरो पर नहीं होगा लेकिन जीरो से जस्ट पहले होगा, जीरो के अत्यधिक करीब होगा। अत्यधिक करीब होगा तब तब कोण ए बराबर क्या होगा, यहां पे देखो कोण ए क्या बनेगा, जब ये थीटा जीरो बन जाएगा तो कोण ए क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा ना दोस्त, 90 डिग्री। अब देखो कोण ए 90 डिग्री होगा और ये तो पता है जब ये थीटा जीरो के करीब आ जाएगा तो ए भी क्या हो जाएगा, और ए भी जीरो बन जाएगा, जीरो बन ना जाएगा, जब ए ये शीर्ष ए चल के शीर्ष बी के करीब आएगा तो ये एसी भुजा जो दिख रहा है वो कैसा दिखेगा, देखो ना वो ऐसा दिखेगा, यहां से चल के ऐसे ऐसे यहाँ बीसी के ठीक यहाँ पे आ जाएगा, बीसी के ठीक जस्ट पहले। तो हम मान लेते हैं बीसी बराबर एसी और ए बी का मान, ए तो चल के बी के पास आ गया तो ए बी क्या बन गया, जीरो बन गया, जीरो बन गया, और ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एक से, एक से बात करने जाएंगे, एक में तीन त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब हुआ साइन 90 डिग्री, हुआ ना, क्योंकि थीटा क्या बन गया दोस्त, थीटा जीरो बन गया, तो जीरो बन गया तो कोण ए का मान क्या होगा, 90 डिग्री हुआ, तो साइन 90 डिग्री क्या था, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा था बीसी बटा एसी, बीसी बटा एसी, ठीक है। बीसी कितना आया दोस्त, बीसी और एसी तो आपस में बराबर है, तो ये लिख सकते हैं बीसी बटा बीसी चाहे एसी बटा एसी बराबर 1 कॉस 90 डिग्री, ठीक है। कॉस 90 डिग्री के बाद करने जाओगे तो कॉस 90 डिग्री है ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, ठीक है। ए बी क्या आया है, ए बी का मान, ए बी का मान जीरो आया है, तो जीरो अब बटा ए सी, तो जीरो में किसी भी संख्या से डिवाइड दोगे तो क्या बनेगा, जीरो बनेगा। उसके बाद लिखेंगे टैन 90 डिग्री, टैन 90 डिग्री, टैन के लिए क्या आया है देखो यहाँ पे, टैन के लिए आया है बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी, ठीक है। BC क्या है, BC तो है, AB का मान कितना आया, AB का मान जीरो आ गया है, तो जीरो तो किसी भी संख्या में से जीरो से डिवाइड करोगे तो क्या बनता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। बात समझ में आया यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब चलो इसके अंतर्त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखने जाते हैं, अब लिख कोसेक 90 डिग्री, ठीक है। तो कोसेक 90 डिग्री उसके उल्टा से लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो यहां से आप कोसेक के लिए क्या आएगा, कर्ण बटा लंब, इसके लिए कर्ण ये हुआ एसी बटा बीसी, एसी बटा बीसी, कर्ण बटा लंब एसी बटा बीसी, ठीक है। एसी और बीसी आपस में बराबर है तो मान कितना जाएगा, 1 sec sec 90 डिग्री, इसके लिए अगर sec लेने जाओगे तो आधार कर्ण बटे आधार, AC बटा आधार कौन है, AB है, तो AC बटा AB, AC बटा AB, ठीक है, AC बटा AB, AC का मान तो है लेकिन AB क्या था, जीरो था, तो AC बटा जीरो बराबर किसी भी संख्या से मान से डिवाइड करोगे, सॉरी जीरो से डिवाइड करोगे किसी भी संख्या में तो वो क्या बनता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री के लिए बात करने जाओगे, इसके लिए कॉट लेने जाओगे तो आधार बटे लंब, आधार हुआ ए बी और लंब हुआ बी सी, ए बी बटा बी सी, ए बी का मान कितना है दोस्त, ए बी का मान जीरो आया है तो जीरो बटा और कोई भी संख्या हो क्या बनेगा, जीरो बटा, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब हम देखो 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात जान गए, 30 डिग्री के जान गए, 60 डिग्री के जान गए, 90 डिग्री के जान गए और 0 डिग्री के जान गए।
तो इसको वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक टेबल बना देंगे आपके लिए जिसमें सारे त्रिकोणमितीय अनुपात, तो जितने कोण पड़े हैं उस कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात दिए रहेंगे जिसको आपको याद करना है। तो इसको वीडियो स्टॉप करके नोट कर सकते हैं, हम उसको लिखेंगे। अब देखो दोस्त, जितना भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा है उसका एक टेबल बनाया है, ठीक है। टेबल को ध्यान से देखना और याद कर लेना है, ठीक है। देखो साइन जीरो डिग्री, देखो इसमें हम त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम दिए हैं, यहाँ पे हम कोण दिए हैं कि कोण जीरो डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए। अब कहेंगे साइन जीरो डिग्री के लिए जीरो होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, देखो यहाँ साइन है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब कॉस के लिए आएंगे, किसके लिए, कॉस के लिए, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। टेन के लिए आएंगे, तो टेन के लिए आएंगे तो टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। कॉट 0 डिग्री के लिए आएंगे, तो कॉट 0 डिग्री के लिए अपरिभाषित लिखे हैं, कॉट 30 डिग्री के लिए √3 लिखे हैं, कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है, कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है, कॉट 90 डिग्री का मान 0 होता है। अब कोसेक के लिए आओगे, कोसेक के लिए आओगे तो कॉस 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, कॉस 30 डिग्री का मान 2, कॉस 45 डिग्री का मान √2, कॉस 60 डिग्री का मान 2/√3, कॉस 90 डिग्री का मान 1। और सेक के लिए आएंगे, तो सेक के लिए आएंगे तो सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, सेक 45 डिग्री का मान √2, और सेक 60 डिग्री का मान 2, सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। अब बोलोगे सर इतना लंबा चौड़ा याद कैसे करेंगे, है कि नहीं, कंफ्यूजन ना हो जाएगा। देखो दोस्त ट्रिकली याद करोगे, ट्रिकली याद करोगे याद हो जाएगा। हम आपसे बोलते हैं सिर्फ तुम साइन का याद करो, चलो साइन याद करके देखो, साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, साइन 90 डिग्री बराबर 1, याद हो गया साइन का। और साइन में देखना क्या हो रहा है, साइन का जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है ना उसका मान भी बढ़ रहा है। देखो 0 डिग्री पर 0 दे रहा है, 30 डिग्री पर 1/2 दे रहा है जो कि 0 से बड़ा है, अब कोण भी 0 से बड़ा है, अब 45 डिग्री पर गए 1/√2 दिया जो 1/2 से बड़ा है, 60 डिग्री पर गए √3/2 दिया जो 1/√2 से बड़ा है, कोण भी बढ़ रहा है, मान भी बढ़ रहा है। अब कॉस में आओगे ना तो साइन का इधर से जाओ अब कॉस के उधर से उल्टा, देखो साइन का जो 0 डिग्री का मान था ना वो यहाँ पे कॉस के 90 डिग्री का मान है, साइन का 30 डिग्री का मान था ना तो वहां पर कॉस के 60 डिग्री का मान है, और साइन 45 दोनों का मान एक ही रहता है। साइन का इधर से जा रहा है अब कॉस का, देखो तो साइन का ठीक उल्टा आ रहा है, देखो 1/√3/2, √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2, 0, 0 सेम मान है, साइन का इंक्रीज करता है, बढ़ता है, एंगल बढ़ने पे साइन का मान बढ़ता है, और कॉस में क्या होता है, एंगल बढ़ने पर कॉस का मान घटता है, सेम मान, साइन में बढ़ेगा कॉस में घटेगा, तो साइन का याद कर लिया उसी से कॉस का काम चल गया। अब देखो टैन को अब याद करेंगे, टैन का मान याद किए, टैन 0 डिग्री बराबर 0, टैन 30 डिग्री बराबर 1/√3, टैन 45 डिग्री बराबर 1, टैन 60 डिग्री बराबर √3, टैन 90 डिग्री बराबर अपरिभाषित। अब उसके बाद जस्ट कॉट का याद करेंगे, टैन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट तो इधर से टैन में गए थे तो कॉट में उसका उल्टा, उसका उल्टा, देखो टैन 0 डिग्री का मान जो था यहाँ पर वो कॉट का 90 डिग्री का मान है, देखो टैन 0 डिग्री बराबर 0, कॉट 90 डिग्री बराबर 0। अब देखो टैन 30 डिग्री बराबर 1/√2, तो कॉट 60 डिग्री बराबर 1/√2, यानी टैन का उधर से जाओ और उधर से लौट के आए हुए तो वही मान कॉट का हो जाएगा। अब कोसेक का साइन का उल्टा होता है, ठीक है, साइन का उल्टा होता है, तो यहाँ कोसेक का याद कर लेना, इसको पलटोगे, उल्टा का मतलब यहाँ अब पलटना है, 0/1 है तो 1/0, अपरिभाषित अपरिभाषित, ठीक है, 1/2 तो 2, 1/√2 तो √2, पलट दे रहे हैं, पलट दे रहे हैं, है कि नहीं, साइन का
रेसिप्रोकल होता है ना, उल्टा होता है ना, पलट दे रहा है, ठीक है। इधर क्या कर रहा था, पढ़ने का तरीका जो इधर से पढ़ के गए उधर से आ रहे थे, अब साइन का उल्टा कोशेक है तो पलट दिए, ठीक है, याद रखना। और टाइम पता है, साइन पता नहीं, ठीक है, बराबर वन बाई रूट टू, तो वन बाई रूट टू को पलटोगे तो रूट टू आएगा। अगर साइन 60 डिग्री बराबर रूट थ्री बाई टू है तो इसको पलटोगे रूट थ्री बाई टू को तो क्या बनेगा, टू बाई रूट थ्री, साइन 90 डिग्री बराबर वन है तो वन, वन को पलटोगे तो वन बटा वन, अरे वन को पलटेंगे तो वन बटा वन पलटोगे वही ना आएगा। इसी प्रकार सेक को क्या करोगे, कॉस को उल्टा करोगे तो वन का उल्टा वन, रूट थ्री बाई टू का टू बाई रूट थ्री, वन बाई रूट टू का रूट टू, वन बाई टू का टू, जीरो का पलटोगे, जीरो का पलटोगे तो जीरो बटा वन है, इसको पलटोगे तो वन बटा जीरो, तो अपरिभाषित नहीं हो जाएगा। तो याद करने का तरीका कोई लोचा है इसमें, आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टॉप करके टेबल को नोट कर सकते हैं, उसके बाद हम अब आपको प्रश्नावली 8.2